तो दोस्तों मेरे पापा अम्मा आ चुके हैं, मेरे प्यारे दुलारे पापा किचन में खड़े हैं और देख रहे हैं कि मैं पापा के लिए कौन सी सब्जी बना रही हूँ। जैसे आप सबको पता है पापा को मिर्ची पाउडर तो क्या मिर्ची फोड़न में भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि पापा को नहीं बर्दाश्त होता है। तो आप लोग भगवान से दुआ कीजिएगा, भगवान को बोलिएगा कि मेरे पापा एकदम ठीक रहें, उनको लंबी आयु दे, अम्मा पापा दोनों ठीक रहें। क्योंकि अगर आपके सर के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है तो आपको भगवान के आशीर्वाद के बराबर जो है आपको मीन्स ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो माँ बाप सबके स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। तो पप्पा के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ और बस तुम्हारा ही है। तो दोस्तों अभी ये हैं मेरी माता श्री, और माता श्री आ चुकी हैं और आप लोग देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो तो जब आऊँगी तब आपको बताऊँगी कि कहाँ जा रही हूँ। और मैं हूँ, अम्मा है, आगे गोल्डी है और गुड्डू ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग सब कहीं जा रहे हैं और आती हूँ फिर बताती हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई मामू, और आज के कल के ब्लॉग की आज शुरुआत कंटिन्यू कर रही हूँ। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कल मैं ब्लॉग शुरू की थी बट उसको कम्प्लीट नहीं की थी, बट उस ब्लॉग को मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हो कि आज सुबह से क्या हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ गप्पा बाजी हुआ है। अम्मा वहाँ पे अभी बैठी हुई है, देखिए आप लोगों को मिलवाती हूँ मैं अपनी प्यारी दुलारी अम्मा से। माँ दे बाय कर दो। ओके, रामदेव बाबा वाला बाय। जब आपको पता है अम्मा का ऐसे भी होता है, तो सुबह से अम्मा के साथ, बुड्डू के साथ और पापा के साथ सिर्फ गप्पा 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 चल रहा था। चाय हो चुका है, मेरा थर्सडे है जैसे आप सबको पता है, तो मैं मेरा चाय आज नहीं, मतलब चाय हुआ है, खाना मेरा नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सुबह से आखिर मैं काम की क्या हूँ, कुछ तो काम की हो। तो यस, बैगन का भरता जो है, वो बैगन जो है भरता वाला बैगन को तेल लगा करके और उसको पका चुकी हूँ। अब उसका मैं भरता बनाऊंगी। पापा खाने वाले हैं चना दाल तड़का, एकदम गाढ़ा ठीक खाते हैं, पतला थोड़ा भी नहीं। तो पापा के लिए जा रही हूँ चना दाल तड़का बनाने के लिए, उसके बाद प्याज पराठा और बैगन का भरता पापा खाएंगे। बाकी इधर गुड्डू अम्मा गोल्डी अंशु, ये चारों के लिए बनने वाला है चावल दाल और मटर पनीर की सब्जी। तो अगर मैं मटर पनीर की सब्जी बनाती हूँ तो अंशु गोल्डी पनीर खाएगा तो दाल नहीं खाएगा, दाल खाएगा तो पनीर नहीं खाएगा, क्योंकि दोनों में प्रोटीन होता है, तो दोनों में से कोई एक खाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बना देती हूँ चावल दाल और कोई एक ऐसी सब्जी जो कि ये लोग खा ले, और पनीर मैं रात में कर दूँ, ठीक है ना। तो वही थोड़ा बहुत उधेड़ बुन में लगी हुई हूँ, थोड़ा बहुत सोच में लगी हुई हूँ कि आखिर मैं दिन में सब्जी क्या बनाऊँ। फिर मैं एक बार सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं राम सालन बना दूँ, तो ऐसा हो जाएगा राम सालन अगर मैं बनाती हूँ तो सब लोग खा लेंगे, बुरा आइडिया ना। अभी सब्जी सोच ही रही हूँ मैं, क्योंकि 2:30 बजे हमें हॉस्पिटल निकलना है, पापा का आई चेकअप है, तो 2:30 बजे तो किसी भी कीमत में हॉस्पिटल निकलना है, उसके पहले लंच वगैरह सब खत्म होना चाहिए। तो बहुत काम बाकी है, तो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ, ठीक है। मॉल बेकार हो गया, उतना बेकार नहीं हुआ है, नहीं बहुत बेकार जो है, समझो कि बेकार हो गया। तो अभी जस्ट अभी हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ, और हॉस्पिटल से आने के बाद गुड्डू कह रही हूँ पापा का और गोल्डी का आई चेकअप था, तो हॉस्पिटल से आके और अभी जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मैं जहाँ अम्मा को बोली हूँ कि अम्मा आप चाय पियोगी क्या, अम्मा बोली ठीक है बना दो, लेकिन पति देव से पीठ ठोकाई हुआ है पहली बार, यानी कि उनको भी चाय पीने की इच्छा नहीं, तो पीठ ठोकाई बहुत कम मिलता है, शाबाशी चाय के नाम पर। ओके, तो चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सा चाय पी लो। और ये है मेरी माता श्री, सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी माता श्री, ये देखिए सब कह रहे हैं आपका फेस मम्मी जैसा लगता है, तो आप बोले कि मेरा फेस कहीं से मम्मी जैसा नहीं लगता, मेरी बहन का फेस मिलता है मार्क से, नहीं आपका फेस मिलता है मम्मी। एक बात ज़रूर कहूँगी, अभी तो मैं चाय बना रही हूँ, लेकिन अभी एक चीज़ ज़रूर कहूँगी,
कि जो बीमारी मेरे पापा को हुआ था ना कैंसर, भगवान दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको मीन्स क्या मैं बताऊँ, मैं वर्ड मीन्स कोई शब्द नहीं मिलते हैं मेरे पास। क्योंकि माँ का जब भी फेस देखती हूँ तो माँ बड़ी उदास रहती है पापा को लेकर के, और पापा भी जब से ऑपरेशन हुआ है ना उसके बाद से पापा एकदम से कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैं पापा के सामने बैठती हूँ ना, मैं सिर्फ पापा को ही देखती रहती हूँ, पापा के चेहरा पर से मेरा नज़र नहीं आता है, हटता है। कितना ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हो गया, फिर आँखों से इतना इतना पानी आता है। पापा मेरे टीवी देखने के बहुत शौकीन थे, बहुत फिल्म देखते थे, बहुत मूवी देखते थे, बहुत गाना इंजॉय करते थे। मैं एकदम अपने पापा के ऊपर गई हूँ, मुझे भी गाना सुनना बहुत पसंद है, पूरा पापा के ऊपर गई हूँ मैं। लेकिन जब पापा को देखती हूँ ना, यहाँ आते थे तो एलेक्सा पे पापा बोलते थे बेटा ये लगा दो ये लगा दो, लेकिन अभी गाना भी नहीं सुनना चाहते हैं, टीवी तो एकदम देखते ही नहीं है, तो बहुत मन उदास होता है दोस्तों। मैं किसी के कमेंट के रिप्लाई करने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, तो प्लीज़ आप सब इस बात को ज़रूर समझिएगा। सैटरडे वेडनेसडे को तो नहीं होगा, सैटरडे का दिन है, सही बात है, सैटरडे का दिन है उनका। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और ये है गोल्डी दीदी। अभी गोल्डी दीदी मुंबई के बहुत सारे रोड के रिसर्च और सर्च कर रही मेरी हैं। माँ मेरी बात कभी नहीं मानती है। कल हम लोग कहाँ जा रहे थे? चाची के घर। चाची के घर जा रहे थे हम लोग को, आजकल अचानक से मन करता है हम लोग को ऐसे जोश से चाची से मिलने जाते हैं, हम जाते हैं मिलते हैं वापस आ जाते हैं। पावर बढ़ गया है मुझे, आईज में आई ड्रॉप डालना है मुझे, आईज में फ्लश करना है, फ्लैश फ्लश जो भी वो लोग बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में, ऐसे ट्यूब जैसा कुछ है उससे मुझे अपना आँख साफ करना है दोनों, वो ड्राइनेस और की वजह से स्टीम होता लेना है, वो ड्राइनेस की वजह से होता है। तो गोल्डी का भी थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा स्लाइट एकदम लाइट थोड़ा सा पावर बढ़ा है, है। लेकिन बढ़ा है। हाँ अब मैं पावर, न्यू स्पेक्स बनाऊँ कि मुझे स्पेक्स से कुछ दिखता नहीं। तो गोल्डी का थोड़ा सा पावर बढ़ा है, और साथ पापा का भी आईज चेकअप था, क्योंकि पापा का ऑपरेशन के बाद से आंख से बहुत एक्सेस 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 पानी जो है वो निकलता है, तो वही गई थी दिखलाने के लिए, तो वो सब दिखला करके आई। फिर आने के बाद पापा के लिए हलवा बनाई, वो हलवा का स्पेशली अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगी। पापा को इतना यमी लगा, पापा को इतना टेस्टी लगा, पता है इतना टेस्टी बनता है कि मैं क्या बताऊं। दूसरी बात कि अगर आपके बॉडी में फाइबर की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उस सब की कमी को भी वो हलवा दूर करता है, ठीक है? तो बहुत बेहतरीन है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कब करूंगी? एक दो दिन में कर दूंगी, बट करूंगी जरूर। अब जहां तक डिनर की बात करते हो, तो डिनर बना था, फुलका था, चावल था, दाल था, उसका भजिया बनाई थी, और आलू का ड्राई फ्राई सूखा भाजी, तो यही था। साथ ही साथ अंशु को ये सब कुछ नहीं खाना है। गोल्डी का भी डाइट आज से शुरू हुआ है, लास्ट डाइट खत्म हो गया था और नेक्स्ट डाइट आज से शुरू था, बट आज थोड़ा सा क्योंकि हॉस्पिटल से आकर के थोड़ा सा लेजी लेजी फील कर रही थी, साथ में आज मेरा फास्ट भी था, थोड़ा डल फील कर रही थी, तो गोल्डी को मैं बोली कि तुम्हारा डाइट मैं कल से शुरू करूंगी। गोल्डी भुजिया भी बना के खिलाई। हाँ गोल्डी थर्सडे है, तो हर थर्सडे को, आज ही क्या, हर थर्सडे को गोल्डी मुझे सूखा ड्राई फ्राई भाजी बनाती है, और मैं गोल्डी का ही बनाया हुआ खाती हूँ, तो सब लोग वही खा लिए हैं इसलिए मैं ना जब मेरा स्पेक पावर इंक्रीज हुआ इससे ये प्रूव होता है कि मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ। अच्छा पावर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये है कि गोल्डी बहुत पढ़ाई करती है भैया, मतलब अगर आपका पावर बढ़ गया है तो मतलब कि आप बहुत पढ़ाई करते हो। अच्छा मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, स्पेशली मेरे भाई का भी कमेंट आया था कि कुछ सस्ता सुंदर और टिकाऊ अगर कुछ गिफ्टिंग ऑप्शन तुम्हारे पास है जो मैं अपने कली को दे सकता हूँ, या फिर मैं अपने अपने आप को गिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो कुछ अगर तुम्हारे पास कुछ है तो वो तुम बता दो, तो मैं आप लोगों के साथ कोई एक दो नहीं पूरे पांच जो है गिफ्टिंग ऑप्शन जो है सो लेकर के आई हूँ। उसमें से मैं जो हूँ ये जो मैं गिफ्ट मंगाई हूँ, मैं एक्चुअली गुड्डू के लिए नहीं, ये मैं अंशु के लिए मंगाई हूँ, और फर्स्ट टाइम अंशु को, जब से अंशु वॉलेट रखने लगा है, यकीन करे जब से अंशु वॉलेट यूज किया है,
तब से आज तक अंशु को मैं नया पर्स खरीद के नहीं दी। रिकॉर्ड है नहीं अंश पापा का पुराना, हमेशा गुड्डू का पर्स, जब गुड्डू जब नया पर्स खरीदते हैं तो गुड्डू अपना पर्स किसको दे देते हैं, तो अंशु को। तो अंशु को गुड्डू के ही पर्स के अंदर अपना रुपए रख के रखता है, तो अंशु को आज तक मैं नया पर्स नहीं खरीदी हूँ। तो ये जो पर्स है ये मैं अंशु को पता नहीं है, ये जो है मैं अंशु के लिए परचेज की हूँ। ये बड़ा अच्छा है, इसका प्राइस वगैरह मुझे एक्चुअली उतना याद नहीं है, तो मैं सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें और भी ऑप्शन थे, इसमें बहुत ऑप्शन थे, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक दे दूंगी। आपको अगर ये पसंद आए तो आप अपने हस्बैंड को दे सकती हैं, अगर आप अपने भाई को, पापा को, अंकल को, आंटी को, या फिर अपनी कलीग को दे सकते हो। तो इसको कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, ब्रांड का नाम है वाइल्ड हॉर्न। और इसको जब आप ओपन करते हो तो ऐसे जो है सो कि ये पैकेजिंग में आपको मिलता है, यहाँ पर भी वो ब्रांड का नाम है। यहाँ पर आपको एक की चेन में आप अपने बाइक का, आप अपने फोर व्हीलर का, किसी का भी आप चाबी, मीन्स चाबी लगा सकते हो। ये बड़ा अच्छा मिलता है, जिसको आप बेल्ट वगैरह में लगाते हैं ना, यहाँ पर कुछ इस तरह का ये मिलता है, एक ये मिलता है इसके अंदर। उसके बाद आपको सेकेंड जो मिलता है इसके अंदर पेन मिलता है। तो गुड्डू बोले कि ये दोनों अंशु को दे देना और ये पेन मुझे दे देना, तो ये पेन कलेक्शन ये मेरे बैग में तुम डाल देना, गुड्डू मुझे बोले। तो बड़ा खूबसूरत सा जो है, इसके अंदर आपको एक पेन भी मिल जाता है, जो इस तरह का आपको एक पेन मिल जाता है, बड़ा खूबसूरत सा पेन है ये। आपको ब्लू बॉल पेन मिलता है जो बहुत क्लासी लुक देता है। अब बात कर लेते हैं मेन की, जिसके कारण मैं ये गिफ्ट ली, मीन्स जिसके कारण मैं ये परचेज की, वो है वॉलेट। जिसके कारण मैं अपने बेटा को फर्स्ट टाइम जो है अंशु को इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा वॉलेट, तो ये कुछ इस तरह का भी नहीं है। अंशु अभी तक देखा भी नहीं है, उसको कल मैं दूंगी, कल दिन भी अच्छा है फ्राइडे, तो उसको दे दूंगी मैं। इस तरह का जो है सो कि आप लोग को वॉलेट मिलता है, यहाँ पर सेम जो है आपको ब्रांडिंग का ये लोगो जो है वो मिलता है। लेदर की अगर आप बात करते हो तो लेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको मिलता है, फिर यहाँ पर पार्ट मिलते हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज मिलता है यहाँ पर, जिसके अंदर आप अपने कार्ड वगैरह को जो है वो डाल सकते हो। यहाँ पर भी आपको दो मिलता है, फिर यहाँ पर जो है आपको मिलता है, यहाँ पर आप अपना या फिर भगवान का, जैसे गुड्डू है कभी भी फैमिली फोटो अपने वॉलेट में नहीं रखते, यार मेरी तो तस्वीर आज तक नहीं रखे। मैं एक बार डायलॉग मारी थी, यार सबके हस्बैंड अपने वॉलेट में अपनी वाइफ का फोटो डालते, आप तो मेरा फोटो ही नहीं डालते। तो बोले तुम तो मेरे दिल में हो ना। मैं बोली कि कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन क्या कर, है ना। तो अगर आप अगर गुड्डू टाइप के नहीं है, नहीं हो, अगर आप दिल में अपनी बीवी का फोटो लेके नहीं घूमते हो, तो आप चाहे तो यहाँ पर अपनी बीवी का और अपने फैमिली का फोटो लगा सकते हो, नहीं तो जैसे गुड्डू यहाँ पे साईं बाबा का फोटो लगा के रखते हैं, तो आप चाहे जो भी आपके जो आइडियल गॉड है उसका आप लगा सकते हो, गुड्डू तो साईं बाबा का रखे रहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक मिल जाता है, यहाँ पर भी एक आपको डीप सा मिल जाता है, जिसके अंदर छुपा हुआ पैसा। मेरे पप्पा इसी के अंदर पैसा रखते थे, पप्पा का मैं पूरा पर्स ढूंढती थी और पप्पा को बोलती थी पप्पा पर्स में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं सोचती थी कि पप्पा के पर्स में तो 100 ही रुपए है, तो पापा मेरा काम कैसे करेंगे। तो मैं फरमाइश 2-3 कर देती थी, तो पापा कहते तो बेटा ये आपके पापा का काम है, पापा कर देंगे। और मैं बड़ा सोचती थी कि 100 रुपए में पापा अपने का क्या क्या करेंगे, लेकिन आज तक पापा मुझे कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। तो पापा का छुपा हुआ पैसा इसमें रहता था, पापा अपना इसके अंदर रखते थे। तो अगर आप भी रखते हो तो आप चाहे तो इसके अंदर रख सकते हो। हर बात में मुझे मेरे पापा की याद आती है, अभी मेरे पापा अम्मा मेरे साथ और सो रहे हैं उस फ्लैट में। यहाँ पर आप चिल्लर जब डाल सकते हो, यानी कि चिल्लर में बोल रही हूँ, इसके अंदर आप क्वाइन डाल सकते हो। तो बड़ा एकदम वेटलेस वॉलेट है और बहुत क्लासी वॉलेट है। तो आप खुद के लिए, अगर आप मेल सब्सक्राइबर हो मेरे और आप देख रहे हो, तो आप खुद के लिए इसको परचेज कर सकते हो या फिर किसी और को गिफ्ट करने के लिए, बहुत अच्छा है। बाकी जो और जो 4 गिफ्टिंग ऑप्शन है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और मैं पिन भी जो है आपको कर दूंगी फर्स्ट पिन में भी। ओके, तो मैं क्या करूंगी, होगा तो
होगा तो चार और गिफ्टिंग ऑप्शन के फोटो मैं डाल दूंगी और ओवर वॉइस दे दूंगी। अगर वो मैं नहीं कर पाई तो चार और प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि वाकई अच्छे होने वाले हैं। एक और इसमें और एक वॉलेट का था जो मुझे अच्छा लगा था, तो उसका भी मैं डाल दूंगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और तीन और जो है आपको डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी रात के बज रहे हैं 1 o'clock, नहीं अभी 10-15 मिनट्स बाकी है, तो अभी बैठूंगी, अभी मैं ब्लॉग को एडिट करूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी ब्लॉग एडिट नहीं करूंगी तो मैं कल भी आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिलेगा, क्योंकि कल फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है, कल पप्पा को डॉक्टर से दिखलाना है, जो पप्पा के जो कैंसर का जो ऑपरेशन किए थे ना उनका जो है सो कि पप्पा को दिखलाना है। पप्पा का आईज पूरा ओपन नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, पप्पा का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है आँख का, जैसे आप सबको पता है इसका हो चुका है 2 बार, और आँखों का भी 1 बार हो चुका है और 1 बार और हुआ, बट पप्पा का फिर भी आँख अच्छे से बंद नहीं होता है, तो एक आँख पापा का आधा खुला ही रहता है, जिसकी वजह से पप्पा को बहुत तकलीफ होती है। अगर आप एक आँख आपका 24 आवर्स खुला रहेगा तो सोचिए आपको कितनी तकलीफ होगी। तो पप्पा को वही गई थी दिखलाने के लिए, तो दिखला करके आए तो थोड़ी देर तक बहुत उदास हो गया, मन बहुत उदास हो गया, अम्मा भी बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि फिर से थोड़ा सा आपको ऑपरेट करना पड़ेगा आपको, और फिर से आपको थोड़ा सा टक जो स्टिच जो है वो देना पड़ेगा। तो पप्पा के कितना ऑपरेशन और कितना स्टिच, तो सुन के बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत देर अपने आप को कंट्रोल की, तो इसलिए अभी अब मैं आप लोगों के कमेंट के तो रिप्लाई नहीं करूँगी, उतना टाइम नहीं है मेरे पास जो कि आप सबके कमेंट के रिप्लाई करूँगी, बट आप सबके कमेंट जरूर देखूँगी मैं। मैं कमेंट की रिप्लाई करने से बेटर समझती हूँ कि मैं अपने माँ पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँ। आई होप कि मेरी इस बात को आप समझोगे, और बात यही है कल सुबह सुबह उठना है और जाना है, 8 समझिए आप 10:30 तक घर से निकल जाना है, ठीक है। कल का ब्लॉग आपको मिलेगा, कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग लाओ, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो चलिए, आई होप कि मेरा ये छोटू मोटू ब्लॉग तो नहीं है, बट जैसा भी हो आप लोगों को पसंद आया हो, ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, अभी इसी फ्लैट में सो रही हूँ, तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।